जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। एंड देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे हमको दो बड़े न्यूज़ यहाँ पे हमको आते हुए देखने को मिल जा रही है। उन्हीं दो न्यूज़ों को यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा चलते हैं हम यहाँ पे अपने कंपनी के अपडेट के ऊपर। न्यूज़ पर चलने से पहले यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आ गए हैं। जो देखा जाए तो टोटल यहाँ पे हम बोल सकते थे कि तीन अपडेट यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहे हैं। पहली अपडेट ये है कि कल यहाँ पे इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है, तो उस पर भी आपकी नज़र यहाँ पर रहनी चाहिए। जो कि पहली अपडेट थी वो कवर हो चुकी है, ठीक है। दो न्यूज़ है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर इस कंपनी की देखा जाए तो इस कंपनी में आप देख सकते हो कि उन दो न्यूज़ के बेसिस के पे ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी में 1.25% के आसपास यहाँ पे रैली देखने को यहाँ पे मिल जा रही है। देन वहीं पे 6 महीने का परफॉर्मेंस इस कंपनी का देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक ही दायरे में ये कंपनी इर्द गिर्द घूमते हुए देखने को मिल जा रही है, जिसके पीछे भी आपको यहाँ पर मालूम होगा कि जो यहाँ पर रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप में जो डील हुई है उसको लेकर के यहाँ पर जो अमेजॉन है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी बेसिस पे इन दोनों इस कंपनी की बात करें रिलायंस में तो एक कंसल्टेशन फेज आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। एंड हमारी जो पहली न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील से रिलेटेड एंड अमेजॉन एंड फ्यूचर ग्रुप डील के से रिलेटेड यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। एंड वही जो दूसरी न्यूज़ है उसकी अगर बातें करें तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो सऊदी अरामको डील है दोस्तों, उसको लेकर के यहाँ पे कई सारे चर्चाएँ यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। एंड यहाँ पे खुद जो इनकी एजीएम थी एनुअल जनरल मीटिंग, तो अगर उसकी बातें करें तो यहाँ पे खुद उन्होंने बोला था कि इस साल यहाँ पे इस डील को फाइनलाइज किया जा सकता है। तो जो दूसरी न्यूज़ है वो इसी से यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। तो अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले न्यूज के ऊपर। यहाँ पर हम सीधा न्यूज पर आ गए हैं एंड पूरी न्यूज को यहाँ पर हम आपको इसी एक पैरे में ही आपको बता देंगे एंड आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि CCI accuses Amazon of concealing fact in deal for future group unit। ये जो न्यूज़ है आप देखिए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम CCI के भी नाम से जानते हैं, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, एक बड़ी बात यहाँ पे बोल दी है कि जो अमेज़न है, जब इन्होंने फ्यूचर ग्रुप से यहाँ पे डील की थी तो कुछ चीज़ें यहाँ पे छिपा ली थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे CCI का एक बड़ा यहाँ पे हम स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे होते हुए हमको देखने को मिल जा रहा है कि जो अमेज़न है, जब फ्यूचर ग्रुप से इसकी डील हुई थी को, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने हाइड कर दिया था, जिससे कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हमको दिक्कतें देखने को मिल जा रही है। अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप की अगर यहाँ पर हम बातें करें तो इनकी जो डील हुई थी वो 19 में हुई थी, 2019 में यहाँ पर हमको देखने को मिल गई थी। तो इसी डील में यहाँ पे कुछ चीज़ों को छुपा लिया गया था जो कि फ्यूचर ग्रुप को यहाँ पे नहीं मालूम था कि ऐसे भी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। वही चीज़ें यहाँ पे CCI ने यहाँ पे बताया है। अगर आप हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अमेज़न ने किया है वो गलत काम किया है, वो तो आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इनके कही हुई बात CCI की कही हुई बात अगर सच है तो जाहिर सी बात है वो कोई भी रहेगा तो वो साफ साफ कह देगा कि अमेज़न ने यहाँ पे गलत किया है। देखिए यहाँ पे एक लाइन में तो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप चाहें तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप जैसे जैसे यहाँ पे नीचे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे पूरी न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड उसी न्यूज़ को यहाँ पे मैंने बस ये किया है कि इसी एक लाइन में ही आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, समझा दिया है, जो कि आपको अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो न्यूज़ थी वो आप बोल सकते हो कि अमेज़न एंड फ्यूचर ग्रुप के डील से रिलेटेड थी एंड कहीं ना कहीं इसका जो इन्वॉल्व है वो रिलायंस से भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई नहीं होती तो आज जो फ्यूचर ग्रुप का रिलायंस के साथ डील हुआ था वो अभी तक पूरी हो चुकी होती एंड हमारी जो कंपनी रिलायंस है वो अभी तक कंसल्टेशन फेस में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़।
सो अभी हम यहाँ पे दूसरे न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं एंड आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सेड अपॉइंटमेंट ऑफ यासिर अल रुमायन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज टेकन इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 19, 2021। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलायंस ने कहा है कि यासिर अल रुमायन जी अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रहे हैं, जिनको यहाँ पे रिलायंस ने अपॉइंटमेंट किया है, जो कि 19 जुलाई 2021 से यहाँ पे मतलब ये अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलायंस के यहाँ पे बन चुके हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोर्ड है उन्होंने 24 जून को इसको अप्रूव भी कर दिया था कि यासिर अल रुमायन जी जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो ये हमारी दूसरी न्यूज़ थी जो कि आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो यासिर अल रुमायन जी है दोस्तों, वो सऊदी अरबको से ही रिलेटेड आपको आपने देखा था कि एशिया में इनकी बहुत सारी चर्चा आपको देखने को मिली थी एंड ये वही शख्स हैं यासिर अल रुमायन जी, जिनको यहाँ पे अभी रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में यहाँ पे नियुक्ति कर ली गई है। सो अभी हम यहाँ पर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। आज की डिलीवरी देखें तो आप देखिए कि यहाँ पे 54% के आसपास डिलीवरी उठती हुई हमको देखने को मिल जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी साइन यहाँ पे हमको देखने को मिल जा रही है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो न्यूज़ दो आपने देखा वो तो ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आने वाला है उस पर भी आपको यहाँ पे नज़रें होनी चाहिए। अगर बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी आपको थोड़ी बहुत रैली यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड वहीं पर रिलायंस की बातें करें तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी भी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। मार्केट की बातें करें तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाली यहाँ पे कंपनी हमको देखने को मिल जाती है रिलायंस, जिसके मतलब मार्केट कैप के हिसाब से निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी कंपनी का यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। देन वहीं पर रेवेन्यू की बातें करें तो वो भी आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिलेगा, प्रॉफिट की बातें करें तो वो भी आपको ग्रोइंग मोड में ही देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये दोस्तों कि यह एक काफ़ी शानदार कंपनी है, अगर आपके पास ये कंपनी है एंड हाई लेवल पे खरीदे हुए हैं तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। देन वहीं पे बाय करने से रिलेटेड अगर आपके सवाल है तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे बाय भी करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसोलिडेटेड फेस हमको देखने को मिल रहा है वो कभी ना कभी यहाँ पे ख़त्म होते हुए हमको देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे जो न्यूज़ थी, जो अपडेट थी, सो सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।